निधि गौरव को निधि वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ज्ञान जन्मभूमि की जय। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन प्रकाश के ब्लॉग। आज हम आए हैं बजरंग दल के एक प्रमुख कार्यक्रम में। यहाँ पर आज लोगों को मिलने वाली है त्रिशूल दीक्षा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम में होने वाला है, क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं। चलिए आपको पूरा दिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, और अगर चैनल पर ना तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की सजावट और क्या क्या होने वाला है प्रोग्राम में, सब दिखाएंगे। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर शुरू करते हैं। ये देखिए, लॉन को तो अच्छे से बिल्कुल सजाया गया है, देखिए कितनी बारीकी से। और सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी है और सिक्योरिटी गार्ड भी है, और अंदर लोग आ चुके हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं ग्राउंड की तरफ और वहां पर देखते हैं कौन कौन आ चुका है। ये देखिए काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और सजावट तो आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत प्यारी सजावट हुई है। ये देखिए, ये है सजावट, बहुत ही प्यारा लॉन दिख रहा है, सजावट भी काफ़ी बढ़िया है। और प्रोग्राम कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है। बजरंग दल के कार्यकर्ता जितने भी हैं सब अंदर हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लग रहा है अंदर प्रोग्राम शुरू भी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। देखिए अंदर सब लोग बैठे हुए हैं, चलते हैं फटाक से, हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। बहुत ही प्यारा प्रोग्राम होने वाला है। ऐसा प्रोग्राम शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा, किसी ने पहली बार ऐसा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। देखिए चलते हैं फटाक से, सीट पर बैठते हैं फिर अपना सारा प्रोग्राम देखते हैं। पब्लिक देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, यहाँ पर काफ़ी बड़ी हस्तियाँ भी आई हैं, उनसे भी आपको हो सके मिला सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे। बाकी का आप लोग सजावट तो देख ही सकते। देखिए प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो चुका है, विशाल त्रिशूल दीक्षा यहाँ पर मिलने वाली है। दीपो ज्योति नारायण दीपो हरमय भावम सत्या दीपम नमस्ते। भारत माता की जय। प्रोग्राम का शुभारंभ हो चुका है और भी देखते हैं क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। मुझे तो कुछ इतना आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम में पहली बार आया हूँ। भीड़ तो आप लोग को दिख ही रही होगी, कितनी भीड़ है। ये देखिए कम से कम 100 से 200 लोग तो आए ही होंगे, काफ़ी भीड़ है भाई यहाँ पर। बाद में पूर्व जिले के जिला संयोजक रहते हुए सरकार में आप बदल करके विभाग संयोजक पर हम सभी कार्यकर्ताओं का आदर्शन करते हैं। उनके ठीक दाएं ओर कानपुर पश्चिम के जिला मंत्री श्री अभिषेक दीक्षित जी हैं। आप भविष्य में भूतकाल में कार्यकर्ता रहते हुए नगर संयोजक, नगर सह संयोजक, नगर मंत्री एवं तत्काल में जिला मंत्री है कानपुर पश्चिम। अपने बीच में आज के जो कार्यक्रम जिसका जिस प्रकार में कार्यक्रम हो रहा है, उनके इस परिश्रम के उपेंद्र भदौरिया जी अपने बीच में उपस्थित है। आर के द्विवेदी जी जिला कोषद अध्यक्ष कानपुर पश्चिम विश्वविद्यालय प्रसन्न। आज के मुख्यता मुख्य परिचय आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी भाई साहब हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए विराजमान है। आप बजरंग दल के संस्थापक सदस्य रहे,
हैं तथा बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक एवं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक हैं एवं अब सरकार में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं। जिला कोटि के परिचय कराएंगे जिला संयोजक श्री नरेश सिंह तोमर जी, जिला संयोजक श्री शुभम पटेल जी, जिला गौरक्षा प्रमुख विवेक द्विवेदी जी, जिला विद्यार्थी प्रमुख अनूप जी। आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, इस ध्वज धारण करेंगे, साथ ही अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं किया, सदैव ही धर्म के लिए काम किया, संस्कृति की राष्ट्र की रक्षा के लिए काम किया, तो आज इस त्रिशूल को भी हम लोग धारण करने के पश्चात यहां से यह प्रण लेकर के जाएंगे कि किसी पर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति से मुलाकात होती है तो हम लोग अवश्य प्रयोग कर सकते हैं, गौगति के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए इस त्रिशूल का हम लोग प्रयोग करेंगे। धन्यवाद आगे की ये प्रगति। एक बार जोरदार जोर से चंद्र जी का धन्यवाद करेंगे। जय जय श्री राम। बजरंग दल हमें अपने आप में बिल्कुल गलत कहता है।
राजनीतिक से निकला हुआ संगठन है, जिसने 1984 से लेकर आज तक लगभग 30-35 वर्षों के कालखंड में पूरी दुनिया में अपने बल की स्थापना की है। और इसलिए आप बजरंग दल में आए हो, ये बजरंग दल के लिए बहुत महत्व की बात नहीं है। बजरंग दल ने आपको काम करने के लिए चुना है, ये आप सबके लिए सौभाग्य की बात है। आगे आने वाला समय और कठिन है, परिस्थितियां जैसे जैसे अनुकूल होती है चुनौतियां भी वैसे वैसे बढ़ती हैं, वह चुनौतियां आपको सामने दिखाई देती हैं। आने वाले समय में बजरंग बली हनुमान को मान करके और एक अच्छा बजरंग दल का काम खड़ा करें। हनुमान का क्या रूप था, तीन तीन राजाओं को सत्ता हनुमान के माध्यम से प्राप्त हुई थी, विभीषण को सत्ता हनुमान की कृपा से प्राप्त हुई, लेकिन हनुमान ने लंका का राज्य नहीं संभाला। सुग्रीव को सत्ता हनुमान के कारण प्राप्त हुई थी, लेकिन हनुमान ने सुग्रीव का राज्य नहीं संभाला। और राम को सत्ता हनुमान के सहयोग से प्राप्त हुई थी, लेकिन अयोध्या का राज भी हनुमान ने नहीं संभाला। मुझे था फिर राज देश में परिवर्तन का नारा है, उठो जवानों भारत माने फिर से तुम्हें पुकारा है। मुझे उठा फिर राज देश में परिवर्तन का नारा है, पृथक अभी भूभाग तिहाई, पृथक अभी भूभाग तिहाई, प्यासी है क्या नारी माटी, बारूदों से धड़क रही है केसर की प्यारी घाटी, रुधिर बह रहा है गुरुओं का, रुधिर बह रहा है गुरुओं का, पन पंच नदी की धारा, उठो जवानों भारत माने फिर से तुम्हें पुकारा है। ओट के बदले देश बांटते, ओट के बदले देश बांटते, ये नेता सत्ताधारी चौराहो पर खड़ा प्रशासन, देखो ये भ्रष्टाचारी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। निधि गौरव को निधि वे बहादुर भूल गए, निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। उपदेश दिया गीता ने जो क्यों सुन न सुनाना भूल गए, निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहार। श्री कृष्ण ने रास रचाया था, दुष्टों पर चक्र चलाया था, श्री कृष्ण ने रास रचाया था, दुष्टों पर चक्र चलाया था, अब रास रचाना याद रहा क्यों चक्र चलाना भूल गए, अब रास रचाना याद रहा क्यों चक्र चलाना भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। उपदेश दिया गीता ने जो, उपदेश दिया गीता ने जो क्यों सुन न सुनाना भूल गए, निज गौरव को निज
भारत माता की जय। जिन कार्यकर्ताओं के पास त्रिशूल है वो एक हाथ में बाहर हाथ में अपना त्रिशूल निकाल कर यूं पकड़ लेंगे, जिनको जिनको त्रिशूल मिल चुका है और दाया हाथ अपना ऐसे आगे कर लेंगे। और शेष जिन कार्यकर्ताओं को या जिन भी लोगों को त्रिशूल नहीं मिला है अपना बाया हाथ हृदय में रखकर दाया हाथ उनको आगे करेंगे। सभी लोग अपना दाया हाथ आगे कर लेंगे और बाएं हाथ में फिर त्रिशूल पकड़ लेंगे और जो पंक्तियां बोल रहे हैं उसको साथ साथ हो जाएंगे। भूत पावन भगवान शंकर, प्रभु श्री राम, भगवती जगदम्बा, हनुमान जी महाराज एवं अपने पूर्वजों को स्मरण कर मैं बजरंग दल के सदस्य के रूप में यह त्रिशूल धारण कर रहा हूँ। मैं संकल्प करता हूँ कि धर्म संस्कृति एवं राष्ट्र की रक्षा हेतु सदैव संलग्न रहूंगा तथा इस शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। फाइनली विशाल त्रिशूल दीक्षा का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, अगर चैनल पर ना तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग ब्लॉग लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।